तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज आवर डे 3 इन ऋषिकेश और अपन फिर से निकल गए अपने रूम से। सुबह सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था लेकिन अभी बज रहा है 8। पूरा मेरी जिम्मेदारी है इसकी लेट होने की। मैं एडिटिंग करते हुए थोड़ा टाइम लगा दिया और मेरा मूड ये था कि भाई एडिटिंग फिनिश कर लेते हैं और फिर रेंडर लगा के चलते हैं, क्योंकि जब तक रेंडर होगा तब तक अपन घूम फिर भी आएंगे। कोई नहीं, मैडम का मूड थोड़ा सा खराब है इस वजह से, तो अभी नीम बीच जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ बिताएंगे, उसके बाद शायद निकलेंगे। नीलकंठ मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे और नीर झरना भी जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे। A few inches later. तो जैसे ही नीम बीच की तरफ मुड़ने लगे, मैडम का पीछे से ऑर्डर आया, नहीं हम नीम बीच नहीं जा रहे हैं, हम पहले नीलकंठ मंदिर जाएंगे। तो ठीक है भैया, रास्ता कंफर्म किया और बढ़ गए आगे नीलकंठ मंदिर की तरफ। एग्जैक्ट रास्ता है, अच्छा रोड है, मज़ा आ रहा है। केदारनाथ इज 200 किलोमीटर्स, बद्रीनाथ इज 285। वाह भाई वाह, वक्त होता तो पक्का निकल के जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है केदारनाथ वगैरह में रजिस्ट्रेशन होता है, आप ऐसे वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। कभी मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। भैया ये नीलकंठ का रास्ता कि ज़्यादा दूर है? बहुत ही प्यारा रास्ता, पूरा रास्ता बहुत प्यारा, मज़ा आ गया भाई, एकदम मज़ा आ गया। लड़के लड़कियां स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं, स्कूल जाने को तैयार। धूप हमारे ऊपर पड़ रही है तो उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, ऋषिकेश से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे भी शिल्पी को भी, हम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है। 5 किलोमीटर रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है अब पहाड़ों पर, तो 10-15 किलोमीटर भी। थैंक यू शिल्पी यार, ये शिल्पी का ही आइडिया था पूरा, ये शिल्पी का ही आइडिया था पूरा यहाँ पे आने का, वरना मैं अकेले होता तो मैं सच में नहीं आता यार यहाँ पे, मैं नहीं आता। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास, पूजा की थाली ले ली है और जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने को। ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ लोग आए हैं, कुछ दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे सामानों की। शंभो 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 शंभो। तो भैया जस्ट अभी महादेव के दर्शन करके बाहर निकले। देखो वैसे तो मेरा मानना है कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, ठीक है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। कि मैं अपने कर्म को अगर पूरे ईमानदारी से और सच्चे दिल से करूं तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, लेकिन फिर भी आज यहाँ मंदिर आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य दर्शन हुआ, एकदम इत्मीनान से दर्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नीचे ऋषिकेश की तरफ। 10 तो ऐसे ही बज गए यार, बताओ, नीर झरना जाने का मतलब है 12 बज जाना। तो चलो देखते हैं नीर झरना, पहले नीचे पहुँचते हैं, देखते हैं तब तक क्या सीन रहता है, क्या टाइम रहता है, फिर डिसाइड करते हैं नीर झरना जाना है कि नहीं जाना है। तो भाई अब अपन जा रहे हैं नीर झरने की तरफ। रास्ते में रुक करके अपन ने एक जगह ब्रेकफास्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा सम्शुअस खाना था वहाँ का, बहुत ज़्यादा। थोड़ा लाइट ही लिया है ताकि अभी अपने को थोड़ी सी ट्रैक करनी है नीर झरने वाली, ओवर ना हो जाए, इसलिए कम खाया है थोड़ा। धूप हो गई है यार, 11:30 बज रहा है, मन तो नहीं था कि इतनी धूप में आएंगे नीर झरने पे, लेकिन क्या करें यार, सुबह वहाँ पे नीलकंठ पे इतना टाइम लग गया, और अब अगर एक बार रूम में चले गए ना तो फिर निकलने में मुश्किल होगी, और नीर झरना आने में तो पक्की बात है मुश्किल होगी। तो सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें कवर करके तभी जाएँ वापस रूम पे अपने, है ना। तो बस फिर टिकट ले लिए और अब जा रहे हैं ऊपर पार्किंग पे। हाँ,
नीर झरने की ट्रैक कंप्लीट कर ली है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस वक्त आने का क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। शिल्पी का मन था आने का इसलिए आया मैं, वरना मैं बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आ रही है शिल्पी उधर, मज़े ले लिए उसने। 2 मिनट सांस चढ़ी है, हाँ सही हो जाएगा। दैट इज़ अ वाटरफॉल, अभी उधर नहाएंगे चल के। एज आई हैव सेड, नीर झरने में अंदर आ गया हूँ। शिल्पी उधर बैठी हुई है, बस प्रॉब्लम यह कि नीचे कंकड़ ही कंकड़ है, आवाज़ नहीं आएगी अब मेरी। पानी बहुत ठंडा है। भाई मैं तो पूरा पानी में नहा धो के आ गया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन कंकड़ बहुत होते हैं यार, बहुत कंकड़ चुभते हैं पैरों में। बहुत शैलो वाटर, घुटने तक पानी आता है। पानी ठंडा था लेकिन मज़ा आया। नीचे से ऊपर आते आते जितनी भी थकान थी ना, सारी पानी के अंदर जाके मिट गई। और अभी अपने पुराने सोनी देवी के पास आए हुए हैं, इनसे बैठेंगे, इनसे थोड़ी और बातचीत करेंगे। आवाज़ शायद आए ना आए, क्योंकि झरने की आवाज़ आती होती है ना तो अच्छी ऑडियो नहीं आती है। तो देखते हैं इंटरव्यू दोबारा लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या बात है। फिर ना बैठे हैं, इनके यहाँ चाय ज़रूर पियेंगे। A few moments later. हाँ जी भाई, लोग सुबह से घूम रहे हैं, रूम से निकले थे 8 बजे, वापस लौट के आए हैं 2 बजे, पूरा थके थकाए, पूरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट। निकलने का प्लान था आज हमारा, लेकिन आज वापस नहीं जा सकते बॉस, क्योंकि एक तो अपन जो नीलकंठ मंदिर गए थे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा राइड थी, हाइट पे था वो, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, तो वहाँ थोड़ी चैलेंजिंग सी राइड थी, थोड़ी चैलेंजिंग थी। और उसके बाद भाई नीर झरने का तो पता ही आप लोग को, पहली बात तो ट्रैक है वहाँ की, उसके बाद जब आप वाटरफॉल में नहाते हो, पानी में वहाँ नहाते हो, उसके बाद तो जो बॉडी दर्द होती है, थकान लगती है, वो तो एड ऑन है। तो कुल मिला के अपन आज नहीं जा रहे हैं, रूम पे आ गए, नहा धो करके लंच करके अब कर रहे हैं आराम। एटलीस्ट 2 घंटे तो आराम चाहिए बॉस, 2 घंटे सोऊंगा, क्योंकि सुबह से उठ करके एडिटिंग कर रहा था मैं, बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ भाई, एज सिंपल एज दैट। अभी चल रही है व्लॉग की अपलोडिंग, देख लो बॉस 62% पे अटका हुआ है ये पिछले 20 मिनट से। तो यही प्रॉब्लम है, मैंने बताया था ना इंटरनेट के इश्यूज हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 चल रहा है, हो रहा है, इसीलिए वीडियोस लेट आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल अपन आराम करेंगे, शाम को नीम बीच जाएंगे, वहां जाके थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करेंगे, शाम को मिलते हैं जब नीम बीच पे पहुंचेंगे तब। 2000 years later. इतना ज्यादा थक गए थे ना कि नींद ही नहीं खुली भाई, जब से सोए सोते रहे, नींद ही नहीं खुली। अभी जा करके 6 बजे नींद खुली, टाइम देखा, अरे बाप रे, होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद लगा कि कहीं मत जाओ, नीम बीच मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। तो चले आए अपन इधर कर्मा कैफे में, जहाँ पे कल आए थे, क्योंकि अपलोडिंग तो हुई नहीं थी ब्लॉग की, तो लैपटॉप लेके चले आए, इधर अपलोड भी कर रहे हैं, कुछ स्नैकिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे, और बस फिर रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर इधर ही बैठ के, फिर निकल जाएंगे रूम पे। तो ये पूरा ऋषिकेश का ट्रिप 2 दिन का, ढाई दिन का, जितने का भी मानना है मानो, ये आज रात तक ही है। तो शिल्पी कैसा लगा तुम्हें ये 2-2.5 दिन का एक्सपीरियंस, कैसा रहा तुम्हारा? मेरा इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बताओ तो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करो। मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे नीम बीच वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और लक्ष्मण झूले के वहाँ नीचे बैठना, मेरा बेस्ट वो था बस। ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड राइट? तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आज जो हम राइड पे गए हैं ना वो? हाँ आज का जो राइड था, आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया है। नीर झरने में मजा आई, ट्रैक करने में थोड़ी हालत खराब हुई हमारी। हाँ, लेकिन क्योंकि हम दोपहर में ट्रैक कर रहे थे, है ना, इस वजह से ज्यादा हुआ। अगर डे टाइम में कर रहे होते तो इतना मेरे ख्याल से नहीं प्रॉब्लम होती। चलो खैर जो भी है, ऑलमोस्ट ओवरऑल हमने इंजॉय किया, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्यों? तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। और मैं इस ऋषिकेश की पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, शायद कल के ब्लॉग के बाद बनेगी वो प्लेलिस्ट। हाँ तो जो भी है गाइस, इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।